Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नो रूहेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी खबरें लाया हूँ हमेशा की तरह। आज हम थोड़ा काम से गए थे बाहर क्योंकि हम कुछ अपग्रेड कर रहे हैं और मे बी इसका चेंजेस आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कुछ करने वाले। साथ ही साथ मैं व्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ अपने रूहेज अमरेला चैनल पर, जो लावारिस पड़ा है। हाँ, तो डे इन ए लाइफ विद टेक्नो रूहेज, पूरा दिन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं वगैरह, तो कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो जाएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। और पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप पावर बैंक यूज करते नहीं करते, तो अराउंड 70% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं और कुछ लोगों ने कहा हाँ। ठीक है, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। अगस्त के महीने में बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 नहीं देखा है, देख लेना, बहुत ही मजेदार है। और लाइक्स कमेंट्स डेली देखने को मिलते हैं मुझे और इतना अच्छा लगता है कि 30,000 के ऊपर जा रहे हैं आजकल। बस वैसे ही करिए दोस्तों, प्यारा सपोर्ट बनाए रखना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। यार राजू, जरा कुर्सी सीधी कर रहे बाबा, रे सही कर रहे बाबा, बाबू रहो गणपत रहो आप टेगा लेकिन स्वैग है भाई। एनीवेज, पहली खबर आ रही दोस्तों सैमसंग की तरफ से, सैमसंग Zfold 3 और Zflip 3। जैसे जैसे इनकी तरफ से खबरें आती है मैं बहुत एक्साइटेड होता जाता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे पहले कहा था, फिलहाल के लिए ये एक ऐसा लॉन्च, फिलहाल हाँ बोल दो, तुम ही बोल दो, फिलहाल के लिए एक ऐसा लॉन्च इवेंट है जिसके लिए मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। अभी इसकी इंडिया प्राइस लीक हो गई, अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स Zfold 3 अराउंड 1,36,000 के आसपास आ सकता है और साथ में जो Zflip 3 है वो अराउंड 80,000 to 90,000 के आसपास आ सकता है। प्रीवियस जनरेशन से देखा जाए तो शायद इस बार प्राइस थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत मजा आएगा क्योंकि इस बार वाले थोड़े और भी ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत होने वाले हैं। आने दीजिए दोस्तों 11 तारीख, उसके बाद देखते हैं कि इनमें क्या खास होता है। साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी F62 24,000 में इंडिया में लॉन्च हुआ था 6128 और 26,000 का था 8128। आपको बताया 6,000 रुपीज अब प्राइस ड्रॉप हो गई दोनों वेरिएंट्स पर, तो जो बेस वेरिएंट है अब वो 18,000 का है और जो हाईर वाला है 8128 वो 20,000 का है। Exynos 9825 AMOLED डिस्प्ले, 7000 mAh बैटरी है, 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा, सोनी सेंसर, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है। अगर 17,000 की रेंज का है, वैसे ICICI के कार्ड पर भी कुछ ऑफर भी चल रहा है और भी इफेक्टिव हो जाएगी, तो इस प्राइस पर तो बनता ही है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ तो आप जाइए चेकआउट करिए, क्या पता इसमें आपको कुछ फायदा हो जाए। कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने आज इंडिया में खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, हाँ ये कर दिया, मतलब उन्होंने वोडाफोन आइडिया से रिजाइन कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है और वोडाफोन का जो फ्यूचर है इंडिया में वो अब ऐसा लटकती तलवार है। हाँ, उन्होंने पहले गवर्नमेंट को बोल दिया था कि मेरी ताकत नहीं, हाथ उठा लिया था, इधर उधर आप देख लीजिए एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी उन पर 1.5 लाख का, आम आदमी की बात नहीं करो कंपनी की बात करो, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है, तो वो वैसे ही परेशान थे। अब बहुत ही खतरे में आ चुका है वोडाफोन आइडिया इंडिया में, मैं भी, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ, मुझे एयरटेल पर जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है। आजकल तो वैसे जियो का राज है, ये उसका भी असर हो सकता है। एक कुत्ता है या लोमड़ी है, ये आप डिसाइड करो, छोड़ो। पोको वालों ने बता दिया कि भाई ग्लोबली उन्होंने 20 मिलियन से ज्यादा पोको फोन सोल्ड कर दिए। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़, हाँ 2 करोड़ से ज्यादा फोन्स ग्लोबली सोल्ड हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब गिनती के फोन्स थे वो रिब्रांड हो गए, लेकिन जो भी है बहुत बड़ी बात है। अभी अभी आए थे और अभी उन्होंने इतने सारे फोन्स सोल्ड कर दिए, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बड़े नंबर से। वैसे आप कोई पोको का फोन यूज करते हैं कमेंट में जरूर से बताना। बात करते हैं कुछ देसी, माइक्रोमैक्स इन नोट 2 और इन 2, इन 1 आया था ना उसका सक्सेसर इन 2 और जो इन नोट 1 आया था उसका सक्सेसर इन नोट 2, ये दोनों के दोनों इंडिया के BIS पर लिस्ट हो गए। तो एक अच्छी खबर है कि माइक्रोमैक्स वाले इनको लेके आ रहा है और कुछ इस बार भी अच्छा कर सकता है। देखिए सबसे बढ़िया चीज मुझे माइक्रोमैक्स के फोन में ये लगती है, उनका सॉफ्टवेयर। ये लोग कस्टम स्किन के चक्कर में पड़े नहीं, ये स्टॉक देता है और स्टॉक आजकल यही ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। इतने एड्स आते हैं, इतने उल्टे पुल्टे चीजें हो रही है, उससे बेटर है स्टॉक। तो देखते हैं दोस्तों इस बार माइक्रोमैक्स कितना जल्दी लेके आता है और कितने खास होते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे आपको आगे सब बताएंगे। क्विक रिमाइंडर आप सभी लोगों के लिए, हमारे ट्विटर के ऊपर 4 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं, इंस्टाग्राम पर भी ऑलमोस्ट 3 लाख होने वाले हैं, उसकी खुशी में हमने माइक्रोमैक्स के साथ पार्टनरशिप किया और मिलकर 10 माइक्रोमैक्स इन 2B का गिव अवे कर रहे हैं, 5 इंस्टाग्राम पर 5 ट्विटर पर। तो अगर आपको इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में ऊपर सबसे लिंक दे रहा हूं इंस्टाग्राम के और ट्विटर पर, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करके बने रहना और ऐसी खुशी में हम आपके लिए ऐसे ही तोहफे लाते रहेंगे।
बाय द वे इंडिया के अंदर रेलवे में एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। देखिए स्टेशन पर तो हमें इंडिया में लगभग 6000 से ज्यादा स्टेशन से वाईफाई मिल रहे हैं, लेकिन इन ट्रेन वाईफाई सर्विस भी यहां पर जो वो शुरू होने वाली थी, हालांकि टेस्टिंग चल रही थी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के अंदर, लेकिन अब जो रेलवे की तरफ से ऐसा पता चल रहा है कि भाई वो ऐसी सर्विस इंडिया में नहीं दे सकते, कॉस्ट का यहां पर लफड़ा है, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया है। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। हम सोच रहे थे कि इस पर काम चल रहा है, जो फॉर्मर जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने तो बोल दिया था कि 4-4.5 साल लगेंगे इन ट्रेन वाईफाई के लिए, लेकिन जो अब नए वाले आए भाई ने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन ट्रेन वाईफाई सर्विस अभी इंडिया में शायद नहीं होगी, स्टेशन पर आपको मिलेगी। ये एक एक्चुअली में बहुत ही बुरी खबर है। पहले पबजी, उसके बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, और अब फ्री फायर। कॉल ऑफ ड्यूटी की कोई बात ही नहीं करता है, ये हमेशा पतली गली मार लेता है। Anyways, वो उन सब चीजों से बाहर है, जो भी होगा। खैर, एमपी की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, उन्होंने फ्री फायर के जो डेवलपर्स हैं उन पर केस दर्ज कर दिया है। जी हाँ, आईपीसी 305 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड। जो छोटा बच्चा था उसने अभी गेम खेलकर 40,000 खर्च कर सुसाइड कर लिया। बहुत ही अजीब घटना है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन एनीवेज छोड़ दो। तो अब ये जवाब मांग रहे गवर्नमेंट फ्री फायर वालों से, पता नहीं ये लोग क्या जवाब देंगे। अब गेम वाले भी क्या करें। खैर, तो ये सीन यहाँ पर चीज बाहर निकल कर आई है। मेरे को तो ये मामले में ना पबजी और बैटल ग्राउंड देव मानुस लग रहे, जिंदगी उनकी इनमें निकल गई है। ये तो बेचारा अभी अभी शुरू हुआ है। रियलमी GT फ्लैश, हाँ रियलमी फ्लैश जो वो प्रोटोटाइप था ना जिस पर वो मैक डार्ट चिपका रहे थे बार बार, मुझे तो लग रहा है लोगों ने कमेंट में माधव शेट जी का गला दबाने की धमकी दे रही थी, तो उन्होंने बोला अच्छा इसको भी लॉन्च कर देते। तो ये भी बाहर आ गया, इसकी भी स्पेक्स आ गई, हो सकता है क्या पता ये भी लॉन्च हो जाए। रियलमी GT फ्लैश इसका नाम है, और 6.7 इंच की सुपर एमोलेड QHD प्लस वाली 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 888 प्लस है, LPDDR5 UFS 3.1, 3500 mAh की बैटरी है, मैक डाट का सपोर्ट है, साथ में 65W वायर्ड चार्जिंग, 50 MP वाले सोनी के दो सेंसर और तीसरा 2 MP देके चिपकाया, और फिर 32 MP सेल्फी है आपको, एल्यूमिनियम फ्रेम्स, डुअल स्पीकर्स। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक प्रीमियम फोन है, और ये बोल रहे कि शायद लॉन्च कर सकते हैं, प्रीमियम कैटेगरी में आएगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में, इसको लॉन्च करना चाहिए, कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही साथ दोस्तों माधव शेट जी ने यह बताया कि रियलमी ने ग्लोबली 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इकट्ठे कर लिए हैं, मतलब ग्लोबली 10 करोड़ से ज्यादा लोग रियलमी के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की कैटेगरी में आ चुकी है सिर्फ 37 मंथ्स के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ब्रांड्स तो ऐसी कि सालों से बैठी हुई लेकिन इतने यूजर्स नहीं जमा कर पाए, लेकिन इन्होंने 37 मंथ्स में कर दिया, जो एक अपने में एक बड़ी बात है। एक तरफ पोको वाले 20 मिलियन फोन्स बेच रहे, इन्होंने 100 मिलियन यूजर्स इकट्ठे कर लिए। आप कौन सा रियलमी का फोन यूज करते हैं, कमेंट में जरूर से बताना। क्या आपको पता है दोस्तों कॉकरोचेस, मुंबई में हम लोग उसको झिंगुर बोलते हैं, एनीवेज ये इतने साफ सुथरे होते हैं अपने आप में कि अगर इस कोई ह्यूमन उनको टच कर लेना तो ये अपने आप को ऐसा तो कर लेते लेकिन बाद में जाके धोते भी अपने आप को, वॉश करते हैं। हाँ सीरियसली, मेरे को तो कॉकरोच देख के घिन आता है, मेरे ऊपर आ गया तो मेरे को उल्टी जैसा होता है, और ये देखो हमसे भी ज्यादा देव मानुस निकले। आज की न्यूज़ ये खत्म होने में करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।